गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस हम करेंगे, जिसमें पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो होगा वो LIC के बारे में होगा। LIC के बारे में देखेंगे और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। दूसरा आर्टिकल रबर के बारे में होगा। रबर एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो टायर्स में यूज़ की जाती है और बहुत सारे टॉयज में भी यूज़ की जाती है। तो कहाँ किस एरिया में ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन है, इसका इकोनॉमिकली क्या इम्पॉर्टेंट है और सोशली कैसे प्रोड्यूस की जाती है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हमारे द्वारा देखी जाएंगी। तो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो फ्रंट पेज का एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या हुआ है, अभी नवम्बर आते आते दिल्ली में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसा कि जो लोग दिल्ली में रहे होंगे उन्हें पता है, अक्टूबर के बाद नवंबर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इसके मेनली दो तीन रीज़न होते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा होता है पराली। मगर पराली का अभी कोई इशू नहीं है, अभी जो मेनली वो रीज़न है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। तो दिल्ली की ये प्रॉब्लम टैकल करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान होता है। एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कैसे वर्क करता है, देखो आप अच्छे से जान लो। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान करता है स्टेज वाइज, कई स्टेज होती हैं इसमें। जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होती है इसके बेस पे पॉल्यूशन का लेवल देखते हैं। जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस होता है। तो मान लो आज 201 है, इस टाइम दिल्ली का पॉल्यूशन 231 के करीब है, तो स्टेज फर्स्ट चालू हो जाएगी और स्टेज फर्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ट्रकों का मूवमेंट बंद कर दिया जाएगा, ये स्टेज के अकॉर्डिंग होता है। तो इसी को हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहते हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्चुअली 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये चीज़ जान लो। हम इसे इलेबोरेटली आगे आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आप इस चीज़ से मत घबराइए कि सर जो है इसके नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और दोबारा भी डिस्कस करेंगे ताकि इसका रिवीजन हो जाए। बस आपसे गुजारिश है कि आप जो है शांत रहिए और अच्छे से कम चीज़ अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप अगर जितना ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा भूलेंगे, सब चीज़ कवर होगी, डे टू डे कवर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में इंट्रोड्यूस की। इसका मेन एम था एयर में भी स्वच्छता लाना। जैसे जैसे एयर की क्वालिटी डिग्रेड होती है वैसे वैसे बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। इसमें PM10, PM2.5, CO2 और ये CO वगैरह जो है कवर किए जाते हैं। तो ये चीज़ दिल्ली से रिलेटेड है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी न्यूज़ जो है वो रिलेटेड है कास्ट सेंसस से। बहुत सारी याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे नहीं लगा सकते, ये गवर्नमेंट का अधिकार है कि किसी पर भी वो सर्वे करा सकती है। तो रिसेंटली अभी बिहार में कास्ट सेंसस के डेटा रिलीज हुआ और इस कास्ट सेंसस के डेटा में देखा गया किस कम्युनिटी का, बैकवर्ड क्लासेस का, माइनॉरिटीज़ का, जनरल का, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें देखी गई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। सिक्किम फ्लड को हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से मैं आपके इसके कुछ पॉइंट बता देता हूँ। सिक्किम फ्लड में क्या हुआ था, लोहनाक एक लेक थी, वहाँ पर ग्लेशियल बस्ट हुआ था। मैंने आपको बताया था ग्लेशियल बस्ट क्या होता है, एक्चुअली जो ग्लेशियर ऊपर से आकर लेक में जमा होता रहता है तो उसकी वजह से जो इसकी बाउंड्री होती है बहुत कमज़ोर होती है। जैसे जैसे क्या हुआ, नेपाल में अर्थक्विक आया और नेपाल के अर्थक्विक से ये इफ़ेक्ट जो है सिक्किम में पड़ा और एक फ्लैश फ्लड हुई। फ्लैश फ्लड की एक खासियत होती है, ये टोरेंशियल रेन होती है, पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, इसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। तो इन दो रीज़न की वजह से ये ग्लेशियल लेक की बाउंड्री फट गई और ग्लेशियल लेक की बाउंड्री फटने की वजह से यहाँ पर एक रिवर जैसा सिस्टम बना और सिटीज़ में और बहुत सारे
बेलीज में जो है क्राइसिस इमर्ज हुआ। इससे अब तक सिक्किम में 40 लोग मर चुके हैं, ठीक है, 143 मिसिंग है। तो यही चीज़ यहाँ बताई है। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे द्वारा आज देखा जाएगा वो LIC से रिलेटेड है। एक्चुअली LIC ने हैंड ओवर किया 1831 करोड़ डिविडेंड टू FM। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उनको 1831 रुपए का डिविडेंड मुनाफा LIC ने हैंड ओवर किया। तो इसमें क्या खासियत है, हम LIC के बारे में जान लेते हैं। देखो LIC क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट फर्म भी है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है इन्वेस्टमेंट फर्म कैसे। देखो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पहली बात तो वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है लोगों को, और जो प्रीमियम मिलता है उससे इन्वेस्टमेंट करती है, और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिलता है उस इन्वेस्टमेंट से पैसे का इंश्योरेंस सेक्टर में यूज़ किया जाता है, लोगों को रिटर्न दिया जाता है, यही सब चीज़ें। देखो इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था 1956 में, जब LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड हुआ था, तब इसको क्या कहते हैं नेशनलाइज किया गया था, और ये एक स्टेचुटरी मीडियम से किया गया था। देखो लिखा है इंडियन पार्लियामेंट पास द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब इसको एक्ट बनाया गया और उसके बाद इसको नेशनलाइज किया गया, और इस नेशनलाइज का मतलब आप समझ लीजिए, नेशनलाइज का मतलब होता है इसमें मेजर स्टेक जो होंगे, मतलब मैक्सिमम स्टेक जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करती है, और किसी के द्वारा इसमें प्राइवेट फर्म का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसी प्रोसेस को हम नेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। अब क्या है, देखो ओनरशिप गवर्नमेंट की है ये हमने यहाँ जान लिया, नेशनलाइजेशन से पता चल गया, मगर आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है, ये वन ऑफ द प्रीमियम सेक्टर है जो अपवर्ड ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब इसकी ग्रोथ बताई गई है कि इसकी जो ग्रोथ है 32 से 34% तक एवरी ईयर हो रही है, और हमारा इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो 5th है वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड की मार्केट। आप देखो ये चीज़ आप अच्छे से जान लो कि हमारे इंडिया में मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 में से केवल 4.2% लोग ही लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। देखो कितना कम पेनिट्रेशन है, आप ये चीज़ देखो 4.2% 2020 और 21 में था, और 2000 में 2.7% था, मगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, वही बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो ये चीज़ हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस की। अगला आर्टिकल जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में है। क्या है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो प्राइजेज हैं वो लगातार गिर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी, तो उसको हम कवर कर लेते हैं कि कैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या चीज़ कवर करता है, क्या मंथली बेसिस होता है या वीकली बेसिस होता है, हमारे जो कंज्यूमर हैं किस तरह से इसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो मेनली गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है, मतलब इसमें रिटेल सेक्टर में जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं, मान लो कोई किसी के द्वारा कोई गुड्स बेची जा रही है, मान लो कोई सब्जी बेची जा रही है, और सर्विसेज जैसे क्या हो गया, आप किसी को ट्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को बस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को डॉक्टरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज से होता है, और ये मंथली बेसिस होता है, ठीक है, मतलब रिलीज़ किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा मंथली बेसिस। मैंने आपको बता दिया ये गुड्स और सर्विसेज दोनों में कवर करता है, ठीक है। 8 कैटेगरी क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स अबाउट 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब 8 कैटेगरी की प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूड करता है। बेस ईयर इसका कैलेंडर ईयर होता है, हर ईयर आता है, बेस ईयर ऐसा नहीं है कि हम 2012 से लेते हैं इसका, हर साल हम उसे कैलेंडर ईयर जो होता है उसी को बेस ईयर लेते हैं। ये कैलकुलेट करता है फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन को, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जब वो देखेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट कर, अरे होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब ही है कि आप ऐसे ये चीज़ है, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट निकला तो होलसेल यहाँ से होगा ना,
और रिटेल सेक्टर में आप जानते हैं फाइनल स्टेज पर ही कोई प्रोडक्ट बिकता है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स देख लो, आप होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या बताया क्या गया कि गुड्स को केवल कवर करती है, वीकली बेसिस पर रिलीज की जाती है, देखो ये मंथली बेसिस पर होती, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लग सकती हैं बहुत ईजी हैं, सर के द्वारा कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, मगर आप ये चीज़ जान लीजिए जितना कोई भी आर्टिकल या कोई भी लेक्चर जितना ईजी लगता है वो एग्ज़ाम में उतना टफ पड़ता है, चाहे आप देख लेना। होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल गुड से मतलब संपर्क रखती है, केवल गुड को इंक्लूड करती है, और इसका बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है। देखो बेस ईयर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर आपको पता होना चाहिए। कैलेंडर ईयर तो यही हो गया 31 जनवरी, मतलब जनवरी वाला, जनवरी फरवरी, और फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं अप्रैल से जो स्टार्ट होता है और मार्च 31 मार्च तक चलता है, और ये इन्फ्लेशन की फर्स्ट स्टेज को कवर करता है। तो हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डिफरेंस देखा, हमारे द्वारा देखा गया कि कैसे वीकली और मंथली रिलीज होता है। आपको दूर जो लास्ट चीज़ है ये चीज़ ज़रूर रट लेना आप, कि ये चीज़ याद नहीं रहती अक्सर बच्चों को, ये फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन देखता है, और जबकि ये मेज़र करता है इन्फ्लेशन को फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब अगला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो रबड़ के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या हुआ है, रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम रबड़ के प्रोडक्शन को नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और जब ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टायर सस्ते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी, तो डोमेस्टिक प्राइस घटेगा और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। तो यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे हम इसको अपने इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में बढ़ाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये जान लीजिए, ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्री एसोसिएशन है, एक ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्री एसोसिएशन है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सेफ गार्डिंग एंड प्रमोटिंग इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेफ गार्ड करना और जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब आप देख लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कॉन्टिनेंटल, देखो एशिया में सबसे ज़्यादा होता है, देखो ब्लू कलर है एशिया में, फिर उसके बाद अफ्रीका में होता है, फिर अमेरिका, मतलब रबड़ का प्रोडक्शन एशिया में ज़्यादा होता है। और रबड़ का प्रोडक्शन एशिया में ज़्यादा क्यों होता है, उसका रीज़न है रबड़ को ट्रॉपिकल रीजन चाहिए होता है, तो एशिया का जो मेजर पोर्शन है वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, अफ्रीका का भी पड़ता है मगर अफ्रीका में नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए जो कंडीशन चाहिए होती हैं वो अफ्रीका में सारी फुलफिल नहीं होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं चाहिए होता, सॉइल जो है एक मतलब ऐसे जेंटल टाइप की चाहिए होती है जो पानी ईजीली बहा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ऐसे हम किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। टॉप 10 कंट्रीज़ कौन है, देखो थाईलैंड है इक्वेटर के अगल बगल में, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, फिर इंडिया है, मतलब फोर्थ लार्जेस्ट प्रोडक्शन हमारी इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब फीचर देख लो, फीचर क्या है रबड़ के, देखो नेचुरल रबड़ जो होती है वो पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको ऑब्टेन किया जाता है लेटेक्स है, लेटेक्स ये होता है, देखो ये हमने आर्टिकल की, ये जो दूध जैसा दिख रहा है यही लेटेक्स होता है, इसी लेटेक्स से हम जो है नेचुरल रबड़ निकालते हैं, और इस ट्री का नाम जो होता है हेविया वर्सिलिनियासिस होता है, ये साइंटिफिक नेम है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रबड़ के ट्री की इकोनॉमिक लाइफ 32 साल होती है। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सॉइल कैसी चाहिए होती है, तो सॉइल जो होती है रबड़ को वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है और वेल वेदर्ड सॉइल चाहिए होती है, मतलब कि वेदर्ड मतलब पानी जो है इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पानी बहुत एक जगह कम है एक जगह बहुत ज़्यादा, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पानी जो है ऐसे समय होना चाहिए, ये नहीं कि पानी एक जगह बहुत ज़्यादा है एक जगह है ही नहीं। अब लैटेराइट टाइप सॉइल में ये बहुत अच्छे से होता है, देखो लेटराइट एल्यूबिलियल और सेडिमेंट्री मतलब सभी टाइप की सॉइल में होता है, मगर लेटराइट रेड सॉइल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेटराइट लेटरेटिक
रेड सॉइल में बहुत अच्छा हो। देखो लैटराइट सॉइल बहुत क्या होता है, आपसे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, लैटराइट रेड सॉइल ये क्या होता है। एक्चुअली इसमें होती है बहुत ज़्यादा रेन इस जगह पर और बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसकी वजह से पीरियोडिक रेन एंड हीट की वजह से इसकी सॉइल में फ्रैक्चर आ जाते हैं और मेनली लाइम और इम्पॉर्टेंट मटेरियल इसके बहते चले जाते हैं। बचता क्या है, एल्यूमिनियम बचता है और आयरन बचता है, इसीलिए ये ब्रिक सॉइल भी कहा जाता है। ब्रिक सॉइल कैसी होती है, ब्रिक सॉइल जो होती है वो रेड कलर की होती है, तो इसीलिए इसे ब्रिक सॉइल कहा जाता है क्योंकि बहुत हार्ड होती है, दिखने में बहुत हार्श होती है। तो जो रबड़ होती है वो इस सॉइल में बहुत अच्छे से होती है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई, इम्पॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वही चीज़ इन्होंने यहाँ बताई गई है कि रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एटलीस्ट 100 रेनी डेज होना चाहिए। देखो कल हमने उसको डिस्कस किया था टी कल्टीवेशन को, तो हमने टी कल्टीवेशन में देखा था कि कैसे जो पानी का रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, रेनफॉल कितनी हो जाए, उससे मिलता हुआ रबड़ का प्रोडक्शन आपको देखेगा। देखो टेम्परेचर रेन भी टी की तरह है 20 से लेकर 34 डिग्री तक, जबकि उसमें क्या था अगर 10 से नीचे अगर टेम्परेचर पहुंच जाता तो टी को नुकसान हो जाता, 34 से ऊपर पहुंच जाता बहुत नुकसान हो जाता, मगर रबड़ को इतना नहीं। ह्यूमिडिटी लेवल देखो, ह्यूमिडिटी 80% चाहिए होती भाई, बहुत ज़्यादा, और 2000 आवर सनशाइन चाहिए होती, स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए नहीं होती। ये सब चीज़ें बकवास नहीं है आपसे, मैं कह दे रहा हूँ ये सब चीज़ें आपसे यूपीएससी किसी ना किसी तरह पूछेगा। अब इसका यूज़ बताया गया कि कहाँ इरेजिंग, पेंसिल की इरेजिंग में होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स में होता है। अब ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कॉफ़ी बोर्ड मतलब बोर्ड्स के बारे में बताया डिफरेंट, और उसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं इसके बारे में बताया। आपको बताना है, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, बाकी दो एलिमिनेट कर देता हूँ, एक सी है और एक बी है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में केवल एक वर्ड लिखना है। तो ये आज हमारे आर्टिकल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आपसे मेरी गुजारिश है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।